हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, अभी मैं हूँ बाबा विश्वनाथ के चरणों में। आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे क्योंकि मैं अभी हूँ वाराणसी में, बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में हूँ। और यहीं से जो है आपको जो आज का यहाँ का ब्लॉग आने वाला है, पहली बार जो है वाराणसी का ब्लॉग आने वाला है आप सभी के सामने। और आज जो है मैं अपने विश्वविद्यालय में जाऊंगा और वहाँ की भी आपको वीडियोस आएंगी। बाकी अगर हम कहीं घूमने के लिए गए तो फिर वहाँ का ब्लॉग भी आपको ज़रूर मिलेगा और वहाँ की भी छोटी छोटी वीडियोस आपके सामने आने वाली हैं। फिलहाल तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। और हम रुके हैं यहाँ पे तेलिया बाग में और ये फिलहाल ये हमारा रूम है, कुछ इस प्रकार से हमारा कमरा है जहाँ हम रुके हैं। हमारा तो ज़्यादा दिन रुकने का यहाँ प्लान नहीं था, पर जो है विश्वविद्यालय की कुछ डेट इशू होने के कारण जो है दो तीन दिन और रुकना पड़ रहा है। तो चलो, जितने दिन यहाँ रुके हैं तब तक आपको ब्लॉग आते रहेंगे। तो आप तैयार हो चुके हैं, अब जा रहे हैं कॉलेज। ये राजा मैंने अपने कंधे में बैग और हमारे साथ हमारे पारेश्वर भट्ट जी महाराज ये भी चल रहे हैं। तो अब कमरे को लॉक करते हैं, टी कुर्की लगा देते हैं, चले पानी पिला दिया मेरे को जरा, पहले पानी पी लिया उसके बाद चलते हैं कॉलेज दिखाएंगे और बनारस की छोटी मोटी गलियों को भी आपको दिखाएंगे। तो ये है कुछ इस प्रकार से यहाँ का। ये हैं बनारस की छोटी छोटी गलियाँ और यहीं से होते हुए हम पहुँचेंगे तेलिया बाग। उसके बाद वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा कॉलेज, तेलिया बाग से बिल्कुल निकट ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो फिलहाल फटाफट चलो। वाराणसी के लिए कौन सी चौकी है तो मेरे को पता नहीं है, पर बट इसके आगे अभी हमें रोड क्रॉस करना है और सामने पे बोर्ड लगा हुआ भी है जहाँ पे हमारे कॉलेज के बारे में, कॉलेज के तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, लौरावीर चौराहा, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, चौरा देवी का मंदिर, चौरा माता मंदिर और यही तेलिया बाग है। और यहाँ पर चौराहा भी और सामने हमारा विश्वविद्यालय आ चुका है। ये विश्वविद्यालय का ये बाउंड्री है पूरी पूरी और गेट आगे भी है, बहुत सारे गेट हैं विश्वविद्यालय के वैसे तो, पर मेन गेट आगे भी है और इसके बीच में भी है। बाल देवी मंदिर है सामने, अभी तो दिख नहीं रहा यहाँ से, आगे जाके दिखेगा, बट आप बने रहो ब्लॉग में। ये हमारे बड़े जी पीछे आ रहे हैं। बाल देवी का मंदिर है, ये विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और ये हमारे विश्वविद्यालय की बाउंड्री है। ये बाघ देवी का मंदिर पूरा विश्व शुरू हो जाता है यहाँ से और ये शायद अभी काम चल रहा है इधर। हाँ, चौकाबाटी पिछली बार भी जब आए थे हम यहाँ पे चौकाबाटी खाई थी, तो ये नॉर्मल 8-7 की है और प्राइस तो भी पूछा नहीं है। तो फिलहाल आज का नाश्ता यहीं पर होगा हमारा चौकाबाटी से, बहुत फेमस है बनारस में और बनारस का पान भी बहुत फेमस है। ये दो चार चीज़ें यहाँ बहुत खाने को मिलती हैं और ये है आलू, और ये आसपास का जो है सुंदर सा नज़ारा। करने का सामान कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया है, चौकाबाटी खा के आप जब आओगे बनारस तो आप बिल्कुल भी इसके एक बार ट्राई जरूर करना। मात्र जो है 10 रुपये का था और बहुत मज़ा आएगी दोस्तों, क्या बात है।
तो अब चलते हैं कॉलेज में, लगभग पहुँच गए हैं। वापस अब ब्लॉग में है हमारा विश्वविद्यालय का गेट संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी, और ये सामने है यूनिवर्सिटी। अब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रवेश करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पसीना पसीना हो रहे हैं। और ये है आसपास का व्यू, ये पुरातत्व संग्रहालय है संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय। इसमें प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ इत्यादि रखी हुई हैं। ये लाल भवन, और ये वीडियो कर रहा हूँ अभी मैं वाइड एंगल से शूट। और दोस्तों ये सामने पाणिनीय भवन, पाणिनी भवन है सामने, ये आप देख सकते हैं। और ये वागदेवी मंदिर जो बताया था मैंने आपको इधर, ये सामने यूनिवर्सिटी का मुख्य भवन। हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं, आपको नहीं आ गए तब हम करें जल्दी सीधे खत्म आते। अब घूम रहे हैं हॉस्टल की गलियों में, फिलहाल तो 102 नंबर में आना है जहाँ थोड़ा बहुत कार्य है, अपना परिचय पत्र लेना वहाँ से। गाइस मैं आ चुका हूँ कमरा नंबर 2 में, और ये हमारे भाई जी महेश भाई जी हैं। ये तो यही है निवासी, ये वाराणसी के हैं, और ये हमारे सहपाठी मित्रवत राहुल भैया, ये हमारे साथ ही पढ़ते हैं। अब अभी तो मैं फिलहाल परिचय पत्र लेने आया हूँ, क्योंकि कल स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण होगा, तो फिलहाल तो यहीं पहुंच चुका हूं। उसके बाद बाहर घूमेंगे थोड़ा सा। और कुछ बताओ वरना आप, और क्या सारस के बारे में थोड़ा। हॉस्टल की लाइफ एकदम बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है, अपन लोग सब लोग हॉस्टल बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं। और जो भी मेरे भाई बंधु हॉस्टल में रहने वाले हैं या हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, उनको पता होगा कि हॉस्टल में कितना मज़ा आता है, कितना अपन लोग इन्जॉय करते हैं। बट इन्जॉय के साथ इन्जॉयमेंट एक साइड में होता है, बट आपको स्टडी एक साइड में करनी होती है। आप देख सकते हैं सामने ये अपना बुक है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल मेहनत से और लगन से पढ़ें। और हमारे भाई साहब संतोष जी बहुत ही मेहनत से, बहुत दिल से आप लोगों के लिए वीडियो रोज ला रहे हैं और रोज लाते रहेंगे वीडियो ऐसे, ठीक है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भाई साहब प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ भी करें, पर आप 1 से 2 कमेंट एकदम प्यारे प्यारे कमेंट ऐसे करें जो पढ़ने में भी अपन को भी अच्छा लगे, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं हमारे संतोष भाई साहब को बहुत ही अच्छे लोग ला रहे हैं। दैनिक लाइफ के इनके बारे में आप लोग जानते हैं, पूरा परिचय आपका इनसे है, हमारा परिचय है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा, अपन बाहर चलेंगे, साथ में घूमते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप बोलो भाई कुछ तो बने रहो, फिर आगे काम तो हो गया हमारा। अब चलते हैं रूम पे जहाँ कमरा लिया है। ये है वाग देवी का मंदिर, अभी तो अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि अभी बाहर ताला लगा हुआ है। ये विश्वविद्यालय के कैंपस में ही आता है, और ये है आसपास का दृश्य यूनिवर्सिटी का।
गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मैं आ गया हूँ अभी अपने कमरे पे। यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अगर शाम को अगर बाई चांस अगर घूमने नहीं जाते हैं तो ब्लॉग यहीं पे मुझे समाप्त करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अगर जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है घूमने से पहले से बढ़िया तो ये है कि पहले अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, है ना। इसलिए तो आप नए नेक्स्ट ब्लॉग की प्रतीक्षा करें।